देखिए, निस्संदेह नीतीश कुमार जी को राष्ट्रव्यापी समर्थन मिला है। जिस तरह से 9 अगस्त के बाद पूरे देश की तस्वीर बदली है, जो विजय रथ था, जिस तरह से विपक्षी दलों के नेताओं पर प्रहार भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, हर तरह से अपने इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जरिए उनके दलों के नेताओं को तोड़कर निर्वाचित सरकारों को गिराने का काम हो रहा था, बिहार ने लगाम लगा दी है। और एक स्वीकार्यता की दृष्टि से नीतीश कुमार जी देश के चंद उन राजनेताओं में हैं जिनके साथ न लेफ्ट को काम करने में परेशानी है, न अति वामपंथी दलों को परेशानी है। राइटिस्ट हो, सेंटरिस्ट हो, सब तरह के दल उनके साथ काम करने के लिए तैयार है, जिसकी मिसाल बिहार ने ग्रैंड अलायंस के जरिए कायम की है। जहाँ तक चुनाव लड़ने का सवाल है, निस्संदेह ये एक बड़ा फैसला है और ऐसे फैसले नीतीश कुमार जी समय आने पर लेंगे, उन्हें क्या करना है। लेकिन अखिलेश यादव जी ने अगर ये ऑफ़र किया है तो निस्संदेह हम लोग आभारी हैं कि उन्होंने ऐसा ऑफ़र दिया। फिर भी अभी चुनाव में काफ़ी समय है और पार्टी ने आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई अपना आशय प्रकट नहीं किया।